तब हम इसमें पत्ते को डालेंगे जो हमने उबाल के रखा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्नेहा की किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते का साग। तो आइए देखते हैं अरबी के पत्ते का साग बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं 10 से 15, आपके पास जितने हो 10-5 आप बना सकते हो। और यहाँ पे हमने कटे हुए लहसुन रखे हैं और ये है लाल मिर्च, तो इसका हम तड़का लगाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए देखते हैं, ये हमने रखा है पानी कढ़ाई में, ये गर्म हो चुका है और इसमें हम पत्ते को एक एक करके डालेंगे इस तरह से, ऐसे पत्ते को डालेंगे और पलटे की मदद से इसे दाते रहेंगे ये, ताकि अच्छे से पक जाए। तो सारे पत्ते को हम इस कढ़ाई में पकाएंगे, उबालेंगे यानी, ऐसे हम सारे पत्ते को इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हो पत्ते गलने चालू हो गए हैं और इसे अब हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े गल से गए हैं, अब इसे मैं ढाकूंगी थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे थोड़ी देर ऐसे। तो आइए देखते हैं, 10 मिनट हो चुका है और पत्ता एकदम से उबल गया है, देखिए एकदम गल गया है। तो साग बनाने के लिए हमें इतना ही उबालने की जरूरत है, तो हमने अच्छे से उबाल लिया है इसे और अब हम इसे उतारते हैं, थाली में निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हम इसमें डालेंगे तेल। और तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें पहले हम लहसुन को डालेंगे। जब तक लहसुन पक रहा है हम मिर्च को तोड़ लेते हैं, दो टुकड़े में कर लेते हैं। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, हम इसमें दो निकाल लेते हैं और इसमें ही डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तीखा, यानी इसको भी डालते हैं। तो लहसुन भी एकदम पक चुका है, आप देख सकते हो एकदम ब्राउन हो गया है, ऐसे ही होना चाहिए नहीं तो बाद में कच्चा दिखता है और स्वाद भी नहीं आता। तब हम इसमें पत्ते को डालेंगे जो हमने उबाल के रखा था। और फिर नमक डालेंगे, नमक डालते हैं इसमें स्वाद के अनुसार, आप भी डालिएगा ताकि पत्ता जल्दी गल जाए। चलाते रहेंगे कस्टी की मदद से एकदम चटनी की तरह ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने साग को अच्छे से मत लिया है, ये बिल्कुल बारीक हो गया है, जैसे सरसों का साग होता है वैसे हो गया है। तो आपने देखा कि हमें अरबी के पत्ते का साग कितनी आसानी से घर पे बनाया और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता, बहुत ही अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, इसे खाना चाहिए। तो आप भी बना सकते हो,
और आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।